यदि आप टेक्नोलॉजी और स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने एटलीस्ट एक बार तो सही बट इलॉन मस्क के बारे में ज़रूर सुना होगा। अपनी कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स को फुल डिवोशन के साथ चलाने वाले सीईओ इलॉन मस्क अब हमेशा ही किसी न किसी टॉपिक पर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बने रहते हैं। चाहे हम उनके लार्जेस्ट रियूजेबल रॉकेट के बारे में बात करें या फिर पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए स्पेस में भेजे जा रहे स्टारलिंक सैटेलाइट्स की। इलॉन से पहले शायद ही हमने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना था जो इतनी चीज़ों में इंटरेस्टेड होने के साथ उन सभी चीज़ों पर सक्सेसफुल थे। ऐसी ही चीज़ों में से एक और चीज़ है जिसमें इलॉन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जिस पर उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला काफ़ी टाइम से काम कर रही है, जो अब फाइनली सभी के साथ शेयर करने के लिए रेडी है। ऐसा कंप्यूटर जिसका नाम हम सभी ने ज़रूर सुना था बट देखा नहीं था, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, टेस्ला का बनाया हुआ नियर क्वांटम सुपर कंप्यूटर। सो टेस्ला का ये सुपर कंप्यूटर क्या करता है, इसे किस लिए बनाया गया है और ये क्वांटम कंप्यूटर की मदद से इलॉन अर्थ पर रहने वाले सभी लोगों की लाइफ कैसे चेंज करने की तैयारी कर रहे हैं। ऑल्सो क्या आपको पता है कि इलॉन की अनदर कंपनी न्यूरालिंक ने ऐसा चिप बनाया है जिससे फ्यूचर में ह्यूमंस को कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल किया जाएगा। इस टॉपिक को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वीडियो का लिंक आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेक विजार्ड इलॉन मस्क के द्वारा बनाया गया ये सुपर कंप्यूटर काफी रिवॉल्यूशनरी होने वाला है। इस तरह का इनोवेटिव टेक्नोलॉजी गैजेट टेस्ला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे के दिन रिवील किया गया था, जिसे नाम दिया गया द डोजो सुपर कंप्यूटर। डोजो सुपर कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनी टेस्ला का ये क्लेम करना है कि उन्होंने वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग मशीन बनाई है। बट टेस्ला तो जस्ट एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है, सो हाउ एक कार बनाने वाली कंपनी ने ऐसा कंप्यूटर बनाया है जो नासा या फिर कोई और साइंस रिलेटेड कंपनी नहीं कर पाई? क्या टेस्ला इस तरह के कंप्यूटर बनाकर अब कंप्यूटर इंडस्ट्री में भी नंबर वन पोजीशन बनाना चाहती है? ऑन टॉप क्या टेस्ला के लिए ऐसा प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल भी था? इसका आंसर है यस। यदि किसी कंपनी को बिल्ड करने में किसी ऐसी पर्सनैलिटी का हाथ हो तो वो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट डेफिनेटली बना सकती है, इसलिए टेस्ला के लिए आज की डेट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पर टेस्ला राइट नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही है, इस तरह का स्मार्टफोन, इस तरह की बाइक एंड मैनी मोर। यदि आप इन सभी टेस्ला प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मदद से 2022 में टेस्ला ने ये पॉइंट क्लियर कर दिया है कि टेस्ला जस्ट एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी बन गई है। भले ही टेस्ला शुरुआती दिनों में जस्ट वर्ल्ड की बेस्ट इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी थी, बट नाउ टेस्ला अब इस तरह की कार्स को ड्राइव करने के लिए वर्ल्ड की बेस्ट ईवी बैटरीज भी मैन्युफैक्चर कर रही है। एक कंज्यूमर या फिर किसी प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करने वाले लोग जस्ट एक नज़रिए से देखते हैं, बट मल्टी बिलियन कंपनीज को चलाने वाले इलॉन इन सभी कंपनीज के प्रोडक्ट को सिर्फ बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। टेस्ला कार्स को आप जब भी देखते हैं तो आपको क्या फील होता है? इलॉन मस्क ने टेस्ला को भले ही देखने में एक सेक्सी कार जरूर बनाया है, बट इस कार को फ्यूचर के लिए तैयार करना इलॉन के टॉप गोल्स में से एक है, विच इज टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग ऑप्शन। एंड जितना प्रोग्रेस टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाने में कर रही है, उतना ही टेस्ला ने इन सभी कार्स के साथ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी को बनाने में भी प्रोग्रेस करा है। राइट नाउ मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग टेस्ला ऑटोमोबाइल कंपनीज का लीडर बना हुआ है, जिसमें सेकंड नंबर पे मौजूद होते हुए भी टोयोटा टेस्ला की कैपिटलाइजेशन ओवरटेक करने में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। एंड फाइनेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई भी कंपनी जस्ट इलेक्ट्रिक कार बनाकर इस तरह की इवैल्यूएशन अचीव नहीं कर सकती, इसलिए टेस्ला अदर फोन ब्रांड्स की तरह ही अपने प्रोडक्ट्स में मिले ग्लिचेस और बग्स को एक स्मार्टफोन अपडेट की तरह ही फिक्स करता है। एंड ये अचीव करने के लिए टेस्ला टॉप आईटी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करती है, जिसकी मदद से टेस्ला अपने यूजर्स को इस तरह के अपडेट प्रोवाइड करके खुश करती है। या फिर इस तरह के फीचर्स जैसा कि हमने डिस्कस किया, टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग ऑप्शन आज की डेट में जस्ट बेटर सॉफ्टवेयर की वजह से ही नियरली परफेक्ट बन सका है। आपके अकॉर्डिंग टेस्ला कार्स में ऐसा क्या लगाया जाता है जो टेस्ला की अमेजिंग सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है?
वेल, इस सवाल का जवाब है टेस्ला में यूज किया गया लार्ज कंप्यूटिंग पावर, जिसकी मदद से टेस्ला यूजर्स अपनी कार का मोस्ट एक्साइटिंग फीचर इस्तेमाल कर पाते हैं। बट शुरुआत में सभी टेक्नोलॉजीज की तरह ही टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग फीचर इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, जिसे इम्प्रूव करने के लिए टेस्ला को काफी ज्यादा कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी अपनी कार को प्रोवाइड करनी थी। इसलिए टेस्ला काफी टाइम से इस तरह का सुपर कंप्यूटर बनाने में लगी थी जो इस डिमांड को पूरा कर पाता और कार को सेल्फ ड्राइविंग डेटा से इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट नीडेड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पाता। बट टेस्ला का ऑलरेडी यूज किया जाने वाला हार्डवेयर इस तरह के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को हैंडल करने के लिए सफिशियंट क्यों नहीं था? वेल, सिंपल रीजन, वर्ल्ड के लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार मेकर के इस फीचर को एक छोटी क्वांटिटी इस्तेमाल नहीं करने वाली थी। एंड टू बी एग्जैक्ट, टेस्ला का ये फीचर एक्चुअली में लगभग 1 मिलियन कार्स यूज करती हैं और इस तरह का बड़ा नंबर ऑलरेडी एवरीडे टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग यूज कर रहा है, जिससे काफी बड़ी डेटा की क्वांटिटी टेस्ला के पास कलेक्ट होती है, जिसकी मदद से इलॉन अपनी कार्स के सेल्फ ड्राइविंग को इम्प्रूव करना चाहते थे। बस कमी थी तो इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक बेटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, जिसे टेस्ला ने फाइनली पॉसिबल कर दिखाया। ड्राइविंग के टाइम टेस्ला कैमरा से रिकॉर्ड किया गया वीडियो डेटा को टेस्ला अपनी कार्स की सेल्फ ड्राइविंग को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करता है, जो ट्रैफिक में मौजूद नॉट जस्ट टेस्ला कार्स बट अदर कार्स, ट्रैफिक सिग्नल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स को ड्राइव के समय ऑब्जर्व करके सेल्फ ड्राइविंग को बेटर करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा करने के लिए बहुत से कंपनीज न्यूरल नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बट टेस्ला ऐसा जस्ट सिंगल न्यूरल नेटवर्क की मदद से करता है, जिसके लिए टेस्ला में लगे 8 कैमरास यूज किए जाते हैं। इस तरह के न्यूरल नेटवर्क की तरह ही हाईटेक इंडस्ट्री में रेडार सेंसर्स काफी पॉपुलर हैं, जिन्हें वेरियस कार्स में इस्तेमाल किया जाता रहा है। बट टेस्ला ने कुछ बेटर क्रिएट करने के लिए रेडार सेंसर्स का इस्तेमाल करना अब पूरी तरह से अवॉइड कर दिया है। इसलिए टेस्ला अब अपनी कार्स के कैमरा से मिले डेटा की मदद से ही अपनी सेल्फ ड्राइविंग को इम्प्रूव करने के लिए इस डेटा पर फोकस करता है। सेल्फ ड्राइविंग के शुरुआती दिनों में टेस्ला रेडार और कार में लगे कैमरा की मदद से ही अपनी कार को ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर प्रोवाइड करता था। बट टेस्ला इस कॉम्बिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए रिक्वायर्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग ऑप्शन से सेटिस्फाइड नहीं था, एंड टेस्ला की टीम बिलीव करती थी कि वो इस फीचर को किसी इंटरनल अपग्रेड की मदद से सुधार सकते हैं, जिसकी वजह से टेस्ला ने डोजो सुपर कंप्यूटर बनाने के बारे में सोचना शुरू किया। बट टेस्ला ने ऐसा करने के लिए वर्ल्ड में ऑलरेडी मौजूद सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद लेनी जरूरी क्यों नहीं समझी? वेल, आज की डेट में जिस भी कंट्री के पास इस तरह का सुपर कंप्यूटर है, उनकी कैलकुलेशन स्पीड टेस्ला के बनाए डोजो कंप्यूटर की कंपैरिजन में काफी डिफरेंट है, जिसमें से नंबर 1 डिसएडवांटेज है उन सभी सुपर कंप्यूटर की स्लो स्पीड, जिसकी वजह से टेस्ला का सुपर कंप्यूटर आज वर्ल्ड का 5th मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बन गया है। टेस्ला के डोजो सुपर कंप्यूटर में इस तरह का डोजो D1 चिप इस्तेमाल किया गया है, जो पूरी तरह से टेस्ला ने खुद डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है। एंड जिस ओल्ड AI टेक्नोलॉजी की मदद से टेस्ला को अपनी कार की सेल्फ ड्राइविंग इम्प्रूव करने में महीनों का समय लगता था, वहीं इस सुपर कंप्यूटर की मदद से टेस्ला का कोई भी मॉडल ये ट्रेनिंग अब जस्ट 1 वीक में पूरा कर लेता है। आपका क्या ओपिनियन है इस तरह के टेस्ला के इन्वेंशन के बारे में? सो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लीव योर फीडबैक, एंड यदि आपके पास कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम।